एवरी वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में पीट्यूटरी ग्लैंड्स के ट्वेंटी फाइव एम करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ओबुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय सो ओबुलेशन इज स्टमुलेटेड बाय ऑप्शन ए एल एच लिटनाइजिंग हारमोन ठीक है तो ये ओबुलेशन को ही स्टिमुलेट नहीं करता है दिस ऑल्सो हेल्प टू सेक्रिएशन ऑफ द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट आर दी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन सो ये तीनों ही इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं लिटनाइजिंग हारमोन के फीमेल्स में क्या करता है ओबुलेशन को स्टिमुलेट करता है एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन दो हार्मोन जो है वो ये रिलीज करता है ठीक है एंड इन मेल जो है इन मेल में भी ये जो है वो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है दैट इज एंड्रोजन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यू सेक्रीशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय सो मिल्क की जो सेक्रीशन है दैट इज मेंटेन्ड द प्रोलैक्टिन हार्मोन सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है इट ये जो है वो ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड्स को प्रेगनेंसी के दौरान को ग्रो करने में जो है वो स्टिमुलेट करता है एंड आफ्टर डिलीवरी जो है वो सक्रिएशन ऑफ मिल्क जो है वो उसको स्टिमुलेट करता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिटूट्रीज सो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन इज द ओनली हॉर्मोन दैट इज सेक्रेटेड बाय द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिटूट्री ठीक है ये जो है इंटरमीडिएट लोबो पिटोटरी जो है वो सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रेट करती है दैट इज द मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है और ये क्या करता है जो हमारी स्किन का जो कलर होता है वो इसकी वजह से होता है मेलेनिन पिगमेंट की वजह से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गिंगनेटिज्म एंड एक्रोमिगली रिजल्ट फ्रॉम हाइपर सेक्रेशन ऑफ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गिग्नेटिज्म और एक्रोमिगली जो है वो हाई किसके हाइपर सक्रेशन की वजह से होता है सो ये ग्रोथ हार्मोन बोथ दोनों ही जो है वो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन की वजह से होते हैं ठीक है ये डिसऑर्डर्स में क्या होता है जो फर्स्ट वन है आपका गिग्नेटिज़म दोनों में डिफरेंस क्या है अब ठीक है फर्स्ट वन है जो गिग्नेटिज़म ये होता है आपका एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड ठीक है जो गिग्नेटिज़्म है वो आपका कहाँ से होता है चाइल्डहुड से जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है और एक्रोमिगली एक्रोमिग्ली जो तब होता है जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम दी एडोलोसेंस स्टेज ठीक है जब एडोलोसेंस से जो है वो आपका क्या होता है ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस होती है तब एक््रोमिगली सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि गिगनेटिज्म कब किस में होता है और एकोमिगली जो है वो किस में होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिल्क इजेक्टिंग हारमोन ठीक है पहले था मिल्क जो सेक्रीशन में हेल्प करता है दैट इज दी प्रोलैक्टिन लेकिन मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन कौन सा है आपका दैट इज दी ऑक्जीटोसिन और ऑक्जिटोसिन को कौन सेक्रीट करता है पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिटोट्री और जो हमने पहले पढ़ा प्रोलैक्टिन हॉर्मोन वो एंटीरियर लॉब ऑफ पिटोट्री जो है उसको सिक्रिएट करता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ए पर्सन पासिस मच यूरिन एंड ड्रिंक्स मच वाटर बट ही इज बट हिज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल दिस कंडीशन में वी द रिजल्ट ऑफ ठीक है कोई इंसान है वो ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है और ज़्यादा पानी पी रहा है ठीक है बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल तो ये कंडीशन कौन सी है तो एक हारमोन है एंटी डायोरेटिक हारमोन या जिसको हम बेसोप्रेसिंग भी बोलते हैं वो क्या करता है जो यूरिन की जो है कंसनट्रेशन जो है वो उसको कंट्रोल करता है ठीक है तो जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इस हार्मोन की एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है जो रीअब्बॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो यूरिन की आउटपुट है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जिससे क्या लगती है ज़्यादा प्यास लगती है ठीक है कॉजिंग द एक्सेसिव थ्रस्ट एंड दिस डिस इज कॉल्ड एज द डायबिटीज़ इन सी पीडियस ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं इसमें ग्लूकोज जो है वो लॉस नहीं होता है ठीक है ग्लूकोज का लेवल नॉर्मली रहता है सो so, क्या ऑप्शन इसका सही होगा ए रिडक्शन इन बेसोप्रेसिन सेक्रेसन फ्रॉम दी पिटुटरी पोस्टीरियर पिटुटरी ठीक है ए डी एच को ही बेसोप्रेसिन भी बोलते हैं और कौन इसको रिलीज करता है पोस्टीरियर पिटूटरी लोब से जब इसकी रिडक्शन हो जाती है मीनस इसकी डफिशियंसी हो जाती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हॉर्मोन विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ठीक है तो वो हॉर्मोन जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है यह क्वेश्चन पहले भी आया था प्रोलेक्टिन हॉर्मोन जो है दैट हेल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी प्रोजेस्ट्रॉन इज सक्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बोथ हार दी फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स ठीक है एस्ट्रोजन जो है उस दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एस्ट्रोजन so, को जो रिलीज करता है दैट इज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल और जो प्रोजेस्ट्रोन है ठीक है प्रोजेस्ट्रोन जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है कहाँ से बनता है एम्पटीग्राफिक एम्पटी ओवेरियन फॉलिकल से ठीक है ये एम्पटी से बनता है सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखें कॉर्पस ल्यूटियम एम्पटी ओवेरियन फॉलिकल से बनता है जिससे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सेक्रीट होता है और ग्राफियन फॉलिकल से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और दोनों ही हार्मोन की सक्रीशन कौन हेल्प करता है कौन सा हार्मोन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जिसको फर्दर कौन सेक्रेट करता है एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर नाइन द हार्मोन एसीटीएच इज सेक्रेटेड बाय ए सी टी एच मीन्स एडी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हारमोन ठीक है तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हारमोन जो है उस कौन रिलीज कौन सिक्रीट करता है इसको पोस्टीरियर ग्लैंड और कौन सी एंटीरियर लॉब ऑफ पिटूटरी ठीक है और ये जो हॉर्मोन है इट फर्दर स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स ये हॉर्मोन फर्दर स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को टू ग्रो एंड सिक्रीट इट्स अ ग्लूकोकॉर्टिकोकवाइट एंड मिनरेलो कॉटिकोकवाइट हारमोन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी स्पर्मैटोजेनिस इज इंड्यूस्ड बाय ठीक है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है उसको कौन इंड्यूस करता है सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन दैट इज द ऑप्शन ए एफ एस एच इज़ द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय सो दिस इज सेक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिटूटरी एंटीरियर लॉब ऑफ पिटूटरी जो है वो आपके सिक्स हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक एंड ग्रोथ हार्मोन फाइव एंड दिक्कत वन इज द प्रोलेक्टिन हार्मोन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन Accumulation and release center of तो कौन से हैं पहले तो आपके ऑक्ट ब उसको कौन रिलीज करता है Posterior देखो, दो बातें इसमें याद रखने वाली है कि ये जो हॉर्मोन है इनको सेक्रीट जो करता है दैट इज दाइपोथेलिमस ठीक है जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल हैं हाइपोथेलिमस के वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं और एकमुलेट और रिलीज कहाँ पे होते हैं ये पोस्टीरियर लोब ऑफ दिटूटरी ठीक है स्टोर और रिलीज यहाँ पे होते हैं लेकिन जो बनते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ दाइपोथल एच आर कलेक्टिवली हारमोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सो so, दोनों को ही कलेक्टिवली बोलते हैं गुनेडोट्रोफिक हारमोन या गुनेडोट्रोफिन ठीक है सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी दिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिटुट्री तो अभी ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन बताया कि जो पोस्टीरियर पिटूट्री के जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं वो दोनों स्टोर तो पोस्टीरियर पिटूटरी में होते हैं लेकिन उनको प्रोड्यूस कौन करता है जो न्यूरोसेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के सो so, यहाँ पे हमसे पूछे कि कौन से हार्मोन है तो कौन से होंगे ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्सिका इज फाउंड सो सेला टर्सिका बेसिकली जो है वो एक डिप्रेशन जैसा होता है स्पिन बोन में जो कि पिटुटरी ग्लैंड को कंटेन करता है तो ये क्या है आपकी एक बोन है ऑप्शन ए नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिटुटरी ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स बट फंक्शनल ओनली इन फीमेल्स ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पिटूटरी ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करती है दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में लेकिन फंक्शनल वो सिर्फ फीमेल्स में होता है सो दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन ठीक है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है सिर्फ फीमेल्स में फंक्शनल होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज दी सो सर्टोली सेल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सपोर्टिंग प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दी स्पर्मेटोजेनिक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं दिस आल्सो रेगुलेट द कोलेस्ट्रॉल मैकेनिज्म इन दी स्पर्मेटोजेनेसिस uh, ठीक है तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं कौन रेगुलेट करता है इसको सो so, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि क्या करता था स्पर्म फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता था लास्ट क्वेश्चन हमने किया ना स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गिग्नेटिज्म एंड एक्रोमिग्ली आर ड्यू टू सो दोनों ही हमने पढ़ा कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं सो so, यहाँ पे राइट right आंसर क्या आएगा हाइपर पिट्रोटरिज्म ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हॉर्मोन कॉज कॉजिस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर ठीक है सो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक ऐसा हॉर्मोन है ठीक है जो कि क्या करता है आप ऑक्सीटोसिन uh, को कौन रिलीज करते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिटरी जो है वो इसको रिलीज करता है एंड दिस स्टिमुलेट द बाइडनिंग ऑफ यूटरस ठीक है यूटरस की बाइडनिंग जो है उसको स्टिमुलेट करता है कब एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ठीक है एंड जो और क्या काम करता है ये जो मैम uh, हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसको रिली कॉज करता है रिलीज ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग सकिंग बाय द इन्फेंट सो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि बर्थ के टाइम में यूटरस की बाइडनिंग करता है एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेवर यूट्रिस की जो कॉन्ट्रेक्शन में कौन हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बाई एंटीरियर पिट्यूटरी सो द राइट आंसर इज द ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस हम जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बोलते हैं ठीक है सो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिटूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं ओनली दो ही हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिटूटरी रिलीज करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा जो आपका एंटीरियर लोब है पिटूटरी का वो सिक्स हार्मोन पोस्टीरियर वाला दो ही हार्मोन रिलीज करता है और इंटरमीडिएट वाला एक हार्मोन रिलीज करता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गोरिल्ला लाइक मैन विद लार्ज हेड एंड हैंड्स एंड प्रोट्यूडिंग जॉ इज प्रड्यूस्ड ड्यू टू सो ये जो आ, ये जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं एक्रोमिगली के ठीक है जहाँ पे पेशेंट की बोन्स जो हैं लॉर जॉ की स्पेशली ठीक है वो क्या हो जाती हैं बड़ी हो जाती हैं बिकम लार्ज एंड जो लिम्स होते हैं जैसे आर्म्स होगी हैंड हो गया या लेग्स uh, होगी ठीक है तो ये किसकी ओवर सेक्रेशन की वजह से होती हैं ग्रोथ हार्मोन की ओवर सेक्रेशन की वजह से सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इफ अमाउंट ऑफ ए डी एच एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन डिक्रीज इन ब्लड मिक्चुरेशन जब एंटी एंटीडायोरेटिक हॉर्मोन का जो लेवल uh, है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है एंटी डायोरेटिक हार्मोन क्या करता है रीअब्जॉर्बन ऑफ वाटर करता है पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है जिससे यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड निकलता है जब यही डिक्रीज हो जाएगा तो जो यूरिन है ठीक है प्रोसेस ऑफ यूरिन क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी ठीक है जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्रोसेस ऑफ यूरिन क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ये वाटर को जो रीअब्जॉर्बशन है उसको रिड्यूस कर देगा इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर रीअब्जॉर्ब्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जिससे यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग